विवेक रहना चाहिए। क्यों? कंटेंट मालूम रहा तो ये सारा रहेगा। तो इस कंटेंट को ध्यान में रखकर शब्द आप कोई भी रखो, कंटेंट ध्यान में रखो। ये बातें ध्यान में रही तो बाकी सारी बातें ठीक हो जाएगी, ध्यान में रहेगी। प्रॉब्लम हमारे सामने ये नहीं है, ये सारी तत्व की बातें हैं, ग्रंथों की बातें हैं, परंपरा की बातें हैं, लेकिन बात इसके आचरण की है और आचरण समाज करता है। धर्म संस्कृति यहां तक विवेचन अभी तक हो गया, लेकिन बात उसकी नहीं है, वो श्रेष्ठ सब लोग मानते हैं, इंटेलेक्चुअली सब लोग मान जाएंगे। बात समाज की है, वो समाज किस जगह है आज, उसकी समस्या है। और समस्या भी सरल नहीं, क्योंकि वो दो प्रकार की है। एक तो सहज सबके ध्यान में आता है कि हिंदू समाज आक्रमणग्रस्त है, संकटग्रस्त है और रिटेलिएशन की आवश्यकता है, प्रतिकार की आवश्यकता है। हाँ, प्रतिकार का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिकार की आवश्यकता है। हिंदू समाज को मजबूती से खड़ा रहकर अपने ऊपर के संकटों का प्रतिकार करके विजयी होना चाहिए। हिंदू समाज की विजय मानवता की विजय, इसलिए विजयी होना है उसको। उसको परमिशन नहीं है रण छोड़कर भागने की, उसको परमिशन नहीं है हारने की, भगवान की परमिशन नहीं है, उसको जीतना ही होगा। जब तक वो जीतेगा नहीं तब तक ये स्थिति चलती रहेगी, हिंदू समाज भी रहेगा, उसको मारने वाली ताकतें भी रहेगी। इसीलिए चल रहा है, 1200 सालों से चल रहा है, 1200 साल कोई युद्ध ऐसा चला नहीं है, ये चल रहा है, इसीलिए चला है और इसलिए जितना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज इन आक्रमणग्रस्त आक्रमणकारी ताकतों का लक्ष्य बना, क्यों? उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां है, वो पहली बात है। नहीं तो एक जमाना था कि इस्लाम और ईसाइयत के मानने वाले लोग भी अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में हिंदुस्तान को देखते थे। उनकी कविताएं पैगंबर के और ईसा मसीह के बाद की कविताएं हैं, उनके एस्पिरेशंस व्यक्त हुए हैं, यहां आकर ज्ञान पाते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? अभी अभी तक 1857 के पहले तक, 1857 तक सारे यूरोप को भारत के लोगों की आध्यात्मिक चारित्रिक श्रेष्ठता और भौतिक श्रेष्ठता का भी आकर्षण था। हिटलर ने अपने आप को आर्य क्यों कहा? आर्य बड़ा श्रेष्ठ शब्द माना जाता था पाश्चात्य जगत में, ऐसी स्थिति थी। लेकिन क्या हुआ कि हम ऐसे बन गए? वो हमारी अंदरूनी मजबूती नहीं रही, कमजोरियां हो गई, हम भेदभाव करने लगे अपने ही लोगों के चारों ओर, हमने दीवारी खड़ी कर दी, उनको अलग कर दिया, अपने को अलग कर दिया। विचित्र बात है, समुद्र लांगड़ा नहीं है, ऐसी नहीं, रूढ़िया कुरीतियां कितने प्रकार की। हमारे समाज में ग्रंथों में महिलाएं देवी परमेश्वर और घरों में महिलाएं गुलाम है, ऐसी स्थिति आ गई धीरे धीरे। ऐसी कई रूढ़ियां कुरीतियां भेद, इन सबके चलते और विघटन, किसी को लगता ही नहीं कुछ। पंजाब पर आक्रमण हुआ, वहां हुआ है, हम क्या करें? सारा देश एक है, हम सब एक है, मानवता के मूल्यों पर संकट है, उसके रक्षण करने का हमारे ईश्वर प्रदत्त करते हुए, उसके लिए हमारे सारी बातों का विस्मरण। एक तरफ इस स्थिति को ठीक करना और दूसरे तरफ इन्हीं स्थितियों का लाभ लेके हमको आत्मविश्वासहीन करने वाले प्रचार का उत्तर देना, प्रत्यक्ष आक्रमणों का प्रतिकार करना, दो प्रकार की लड़ाई है। और इसके चलते अलग अलग प्रकार की बातें दिखती है और फिर लोग कहते हैं विवेकानंद का हिंदुत्व, हेडगेवार का हिंदुत्व, सावरकर का हिंदुत्व, संघ का हिंदुत्व, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का। हिंदुत्व अलग नहीं है, हिंदुत्व एक ही है, उसका कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि उसकी मोनोपोली किसकी नहीं है। हिंदुत्व ये परमिशन देता नहीं। हिंदुत्व हिंदुत्व नाम भी इसलिए केवल उसका पड़ा है कि वो भारतवर्ष की चार दीवारी में विकसित हुआ, ये एक संयोग है। वैसे कहा जाए तो हम सब लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जन्मे, वैसे कहा जाए तो।
एक्सीडेंटली नहीं, योजनापूर्वक हमको हिंदू बनाया भगवान ने उसको, उसकी हिफाजत करने के लिए। लेकिन इसके मोनोपोली नहीं है, किसी को ठेका नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसमें। यह सतत निरंतर गतिमान सत्य की अनवरत खोज का नाम है, महात्मा गांधी के शब्द है, सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। और इसलिए इसका ब्रांडिंग, इसका उसका उसका ऐसे करना गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये जिस परिस्थिति में जो है उस परिस्थिति में उसकी क्षमता अनुसार उसकी अभिव्यक्ति ठीक, विवेकपूर्ण अथवा गलत सब प्रकार की होती है। उसको हिंदुत्व को चिपकाना ही गलत बात है, उसको पूरे आंदोलन को चिपकाना यह भी गलत बात है। हाँ, उसके बारे में, उस कृति को आप सही गलत कह सकते हैं, उस एक्सप्रेशन के बारे में आप विवाद कर सकते हैं। यह भारतवर्ष का जीवन प्राण है, इसके आधार पर अपने देश की पुनर्रचना होगी, तभी अपना देश विश्वगुरु बनेगा, दूसरा इलाज नहीं। और इसलिए जीवन की सब बातों से इसका संबंध है, राजनीति में भी आता है, इश्यूज पर आता है ना। यह अगर अपने देश का जीवन प्राण है, इसके आधार पर अगर देश की पुनर्रचना होनी है तो उस रास्ते से चलने वाले और उस रास्ते पर जाने नहीं देना चाहने वाले, राजनीति में संघर्ष होता है उनका। लेकिन वो महत्व की बात नहीं है, राजनीति में मतामत रहते। हिंदुत्व आंदोलन के लिए सभी पार्टियां अपनी है और कोई पार्टी अपनी नहीं, क्योंकि यह महज राजनीति का आंदोलन नहीं है। हाँ, हिंदू समाज आक्रमणग्रस्त न रहे और हिंदू समाज दुनिया में विजयी हो, इसलिए राजनीति की एक भूमिका है और उतना महत्व सभी आंदोलन राजनीति को देते हैं और उन्हें देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सब लोग करते हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो प्रमुख नहीं है, वो केंद्र नहीं है, वो सब्सिडियरी है, चलता है, उसमें सब लोग ठीक रहे और सभी वातावरण ऐसा बने। देश की राजनीति देश के राष्ट्रीयता के आधार पर चले, और कोई बात नहीं। हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व विरोधी, ऐसे दो क्लासेस हिंदुत्व आंदोलन नहीं करता, क्योंकि ये अपनी पहचान है, अपनी राष्ट्रीयता। हिंदुत्व का विरोध करने वाले भी बाहर हिंदू ही कहलाए जाते हैं। स्वामी साहब बैठे वहां, चीन में गए थे, मौलवी से बात की, उनका अनुभव है, बाद में पूछ लीजिएगा। उनको पूछा स्वामी जी को, आपका रिलीजन क्या है? उन्होंने कहा हिंदू। तो ले रिलीजन बताओ, तो इनका हिंदू। तो उसने कहा किस भगवान की पूजा करते हो? तो इनका शिव जी की। तो ले शैव कौन ना, मैं तुम्हारी क्या आइडेंटिटी पूछ रहा हूं क्या? तो हिंदुस्तान के हो, तुम हिंदू हो ही, किस भगवान की पूजा करते हो वो रिलीजन होता है, वो बताओ। तो हम कितना भी कहे ना ना ना, वहां जाने के बाद क्या होता है? स्वामी विवेकानंद हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये अपनी पहचान है और इसलिए इसके बारे में स्पष्ट रहना चाहिए देश में। कोई देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको अपने पहचान के बारे में भ्रम है, अकेला भारत है, अकेला भारत है। सब लोग स्वाभाविक वही बात करते, फिर भी जब बात आती हिंदू ना 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 कहते। गाड़ी का नाम रखेंगे हिमगिरी एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ। अरे दूसरे नाम नहीं के? नहीं, दूसरे नाम नहीं, देखिए सब गाड़ियां यही सब नाम आते हैं। हर सरकारी विभाग का बोधवाक्य संस्कृत में है, पुलिस सहित सब, जो पुलिस पकड़ती है हिंदुत्व के आंदोलनकारियों को, उनका बोधवाक्य खल निगरणाय सदरक्षणाय। करते तो वही है सब, दीप प्रज्वलन सब करते हैं, बीजेपी ने किया तो नहीं चलता, लेकिन बाकी सब लोग करते हैं। और फिर कहते हैं हम हिंदू नहीं। वो हम कॉलेज में थे तब एक सिनेमा देखा था, उसमें एक गाना था, आज सोमवार है और क्या बागों में बाहर है और ऐसा है वैसा है, ये सब पूछते। फिर वो पूछता है तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना, वैसा ही चलता है, सब करना हिंदू हिंदू हिंदू, बाकी सब ना ना ना। इसमें क्या मतलब है? सत्य का साक्षात्कार हम सब लोग करें और खड़े हो जाए देश में पुरुषार्थ जागेगा। अपने पुरुषार्थ का उत्स हिंदुत्व है, अपनी पहचान है।